Assalamu alaikum to everyone. Welcome to all of you in my channel Smart Study System. In this video, we are going to study the complete study of Anglo-Saxon Age. It is a part 2 of this series, The History of English Literature. If you want to know about all the English history in a brief introduction, then I recommend you to watch its first part. In this video, I discuss each and everything about the Anglo-Saxon Age in a very easy way. This video is best for such aspirants who are making the preparation of government job for English lecturer. I made this video with the help of various books and great scholars. Watch this video till end, so without wasting any further time, we start the lecture. Friends, आज से 2000 साल पहले कैल्स नाम का एक बिला काफ़ी बड़ी तादाद में माइग्रेट करके एक जगह पे आके रहना शुरू हो गया, जिसे आज हम इंग्लैंड के नाम से याद करते हैं। कैल्स को ब्रिथन और गेल्स के नाम से भी याद किया जाता है। बेसिकली कैल्स ही इंग्लैंड के नेटिव लोग हैं। फ्रेंड्स, ये जो वर्ड ब्रिटेन है, ये ब्राइथन से ही निकला हुआ है। फ्रेंड्स, रोम उस दौर की एक बहुत बड़ी पावर थी, जो कि पिछले काफ़ी अरसे से इस इंग्लैंड ज़मीन पे हमला करने की कोशिश कर रही थी और फाइनली 55 बीसी में इस पर्पस में कामयाब हो गई। रोमन्स का दौर 55 बीसी से लेकर 407 एडी तक चलता रहा। फ्रेंड्स, बीसी से मुराद है कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि वो दौर जो हज़रत ईसा इस्लाम की पैदाइश से पहले का वक्त है, उसको हम बीसी के नाम से याद करते हैं, और जो वक्त उनकी पैदाइश के बाद हुआ, उसको हम एडी के नाम से याद करते हैं। यानी कि 55 बीसी टू 407 एडी तक इनका दौर चला। रोमन्स ने अपने दौर में बहुत बड़ी बड़ी इमारत बनाई। बिल्डिंग्स के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्होंने खास तौर पर तवज्जो दी। दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार, जिसको आज हम हैड्रियन वॉल के नाम से याद करते हैं, वो भी इसी दौर में तमीर की गई, जिसको हैड्रियन नाम के बादशाह ने तमीर किया और बाद में इसको हैड्रियन वॉल के नाम से याद किया जाता है। फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चन पैदा होता है, जब रोमन यहाँ पर इतने अच्छे तरीके से हुकूमत कर रहे थे, तो फिर यहाँ से गए क्यों? फ्रेंड्स, विसिगोथ नाम की कौम थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा जंगजू थी। इन्होंने रोम के अंदर जाके हमला करना शुरू कर दिया। अब डेफिनेटली रोम सबसे पहले तो अपने मुल्क को ही प्रायोरिटी देंगे, तो उन्होंने क्या किया, अपनी जो आर्मी थी उसको इंग्लैंड से वापस कहाँ भेजना शुरू कर दिया, रोम में, ताकि अपने कौम को, अपनी ज़मीन को बचाया जा सके। तो इस तरह रोमन लोग वापस अपने मुल्क में चले गए, और ये जो ज़मीन, जिसको आज हम इंग्लैंड के नाम से याद करते हैं, ये फिर वैसे की वैसे थी, और कैल्स यहाँ पर दोबारा फिर अकेले रहने लगे। अब चूंकि ये ज़मीन हर लिहाज से ज़बरदस्त और मुकम्मल थी, जिसकी वजह से बहुत से डिफरेंट ट्राइब्स यहाँ पर आते और आके अटैक करते, जिनमें सबसे ज़्यादा फेमस थे पिक्स एंड स्कॉट्स। फ्रेंड्स, पिक्स आए थे नॉर्थ की साइड से और स्कॉट्स आए थे आयरलैंड से। कैल्स आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू से इतने स्ट्रांग नहीं थे कि इन ट्राइब्स के साथ मुकाबला कर सकते, फाइट कर सकते। तो फ्रेंड्स, कैल्स ने रिक्वेस्ट की तीन डिफरेंट ट्राइब्स से, जिनके नेम हैं एंजल्स, सैक्सन्स और ज्यूर्स, कि वो यहाँ पर आएँ इस ज़मीन पर और आके उनकी पिक्स और स्कॉट्स से जान छुड़ा दें, उनके साथ फ़ाइट करें। और एंजल्स, सैक्सन्स और ज्यूर्स जब यहाँ पर आए, उन्होंने उनसे फ़ाइट की और उनसे जीते भी, और बाद में यही कौम एंग्लो-सैक्सन के नाम से याद की जाती है, जिन्होंने 407 से 787 एडी तक यहाँ पर हुकूमत की। फ्रेंड्स, आपके दिमाग में शायद ये बात आ रही हो कि ये ट्राइब्स तो तीन थे, ज्यूर्स भी इनमें शामिल थे, तो फिर इनमें एंग्लो-सैक्सन ने ज्यूर्स का नाम क्यों नहीं शामिल? तो फ्रेंड्स, ज्यूर्स ना होने के बराबर थे। एक तो ये तादाद में भी बहुत ज़्यादा नहीं थे, और दूसरे ये इतने पावरफुल भी नहीं थे, तो जिसकी वजह से ये एंग्लो-सैक्सन के नाम से याद किए जाते हैं। और इस दौरान इस जगह पर मुकम्मल तौर पर एंग्लो-सैक्सन का कब्जा था, और इसको एंगल लैंड के नाम से भी याद किया जाता था, और बाद में फिर ये वर्ड इंग्लैंड में तब्दील हो गया। फ्रेंड्स, एंग्लो-सैक्सन ने बहुत ही अच्छे तरीके से हुकूमत की, और इन्होंने अपनी हुकूमत को, अपनी सल्तनत को बहुत ही वसी किया। इनके तौर पे ये इंग्लैंड 5 किंगडम्स में डिवाइड था, जिनमें नॉर्थम्ब्रिया, मर्सिया, ईस्ट एंजलिया, कैंट एंड वेसेक्स, और इनमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, वो थे वेसेक्स। और इसकी रीज़न ये थी कि उस दौर का जो बादशाह था, किंग एल्फ्रेड द ग्रेट, वो वहीं पर रहा करता था वेसेक्स में। और फ्रेंड्स, अब इसके बाद क्या हुआ कि वाइकिंग इन्वेजन हुआ, जो कि 787 से 1066 तक जारी रहा। अब फ्रेंड्स, पहले बात करते हैं कि वाइकिंग थे कौन। वाइकिंग एक बहुत ही ज़्यादा खूनखार, खतरनाक कौम थी, जो कि बहुत ही जालिम थी। अगर इन्होंने किसी को मारना होता, तो ये उसको उल्टा लिटाते और किसी नोकीली चीज़ के साथ, या किसी स्वॉर्ड या तलवार के साथ, उसकी जितनी भी रिब्स हैं, जो पसलियाँ, वो बाहर निकालते और ऊपर कोई नमक या इस तरह की कोई भी चीज़ लगा के उसको तड़पने देते, और इस तरह उसको वो एग्जीक्यूट करते। फ्रेंड्स, अगर इनके अटैक्स की डेट्स की बात की जाए, तो इन्होंने फर्स्ट अटैक किया 787 एडी में, और सेकंड अटैक किया 866 एडी में। ये वेस्ट एंजलिया से होते हुए वेसेक्स तक पहुंच चुके थे, लेकिन इस दौर के बादशाह किंग एल्फ्रेड द ग्रेट ने उन 5 किंगडम्स को इकट्ठा किया और वाइकिंग के खिलाफ फाइट शुरू कर दी, और फाइनली 1066 में वाइकिंग्स को शिकस्त हुई, किन से? एंग्लो-सैक्सन से, और इस बैटल को बैटल ऑफ स्टैमफोर्ड के नाम से याद किया जाता है। फ्रेंड्स, अभी 3 हफ्ते भी नहीं गुजरे थे कि यहाँ पर नॉर्मन्स ने अटैक कर दिया, और जिसको हम बैटल ऑफ हेस्टिंग के नाम से भी याद करते हैं, और ये वक्त था जब यहाँ पर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ।
इस बैटल को हारने की सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि एंग्लो सैक्सन अभी मुकम्मल तौर पे जंग के लिए तैयार ही नहीं थे, क्योंकि इनको आगे अपनी आर्मी को स्टेबल करने के लिए अभी टाइम ही नहीं मिला था, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो फ्रेंच पीपल थे, जो फ्रांस की तरफ से जो लोग आए थे, उन्होंने आके एक जंग को जीत लिया। और ये फर्स्ट टाइम था जब फ्रेंच लैंग्वेज को यहाँ पर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराया गया। और यहाँ पर एंग्लो सैक्सन की जो डोमिनेंसी या इनको उनका जो गलबा था तमाम इस लैंड के ऊपर, इस इलाके के ऊपर, वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया, और इसके साथ फ्रेंच को एज ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एंग्लो सैक्सन एज की, जिसको हम ओल्ड इंग्लिश के नाम से भी याद करते हैं। इसकी ड्यूरेशन थी 500 to 1314 AD। और अगर इस दौर की बात की जाए तो इस दौर के अंदर जो लिटरेचर था वो बिल्कुल डिफरेंट था एज़ कम्पेयर टू जेफरी चौसर के लिटरेचर के साथ। फ्रेंड्स, जेफरी चौसर एक पोइट है जिसको हम फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री के नाम से याद करते हैं। इसको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहने की रीज़न ये है कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद इंग्लिश लैंग्वेज को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था, इनकी ये ना होने के बराबर थी, इसको सिर्फ जो लोअर क्लास पीपल थे वो यूज़ करते थे, और जो मॉडर्न लैंग्वेज थी, जो इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज, वो फ्रेंच थी। जेफरी चौसर वो फर्स्ट पर्सन था जिसने इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया अपनी डिफरेंट और ब्यूटीफुल पोइम से, जैसे कि हाउस ऑफ द फेम, द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, ट्रायल्स एंड क्रेसर्ड, और फाइनली जो उसका मास्टरपीस है प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, जिसकी वजह से लोगों का दोबारा इंटरेस्ट पैदा हुआ इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने का। फ्रेंड्स, अगर एंग्लो सैक्सन की रिलीजन की बात की जाए तो ये लोग जब इस लैंड पे आए तो इन्होंने आके क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर लिया एज अ रिलीजन। उसकी रीज़न ये थी क्योंकि इससे पहले वो पैगन्स थे, जिनको वो पैगनिज्म को मानने वाले थे, और पैगन्स ऐसे लोगों को बोलते हैं जो किसी भी मजहब के ऊपर यकीन नहीं रखते। उसके बाद आते हैं हमारे एंग्लो सैक्सन जो लिटरेचर है वो हमारे तक फिर क्रिश्चियन जो प्रीचर थे, जो उनके पादरी या जो चर्च के जो लोग थे, उन लोगों के जरिए ही हम तक जो लिटरेचर है वो पहुंचा। फ्रेंड्स, उसके बाद बात करते हैं सेलियन फीचर्स ऑफ एंग्लो सैक्सन लिटरेचर, यानी कि जो उसके जो सेलियन फीचर्स है, जो अहम चीज़ें थी उस दौर की, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आते हैं क्रिश्चियनिटी। तो क्रिश्चियनिटी उस दौर में बहुत अहम चीज़ थी जो उससे पहले नहीं थी, इनके एंग्लो सैक्सन पीपल की जो लिटरेचर था उसके अंदर खास चीज़ थी क्रिश्चियनिटी। इनको उन्होंने क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट किया, वो लोग नेचर के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, उन्होंने जो लतीनी जबान की जो रस्म और रवायात थी उनको बहुत ज़्यादा फॉलो किया, क्योंकि रोमन लोग अपने साथ लैटिन लैंग्वेज लेके आए थे, जिसकी वजह से बहुत सा वर्क था वो लैटिन लैंग्वेज में ही लिखा गया। उसके बाद आती है बात नेचुरलिज्म की, इनके ये लोग कुछ भी ऐसा नहीं लिखते थे जो कि हकीकत के ऊपर मुबनी ना हो, इनके कोई भी फेरी क्वींस या परियों की कहानियाँ, इस तरह की कुछ भी लिटरेचर ये लोग नहीं लिखा करते थे। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं उस दौर के जो मोस्ट पॉपुलर जो पर्सन थे, पर्सनैलिटीज थी उनके बारे में। उनमें सबसे पहले नाम आता है एल्डम का, जो कि 650 to 709 AD तक रहे। इनमें सबसे खास बात यह है, ये एक प्रीस्ट भी थे, पादरी भी थे, शायर थे, उसके साथ एक प्रोज राइटर भी थे, और इन्होंने लैटिन लैंग्वेज को बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो किया। उसके बाद इनके वर्क के अंदर क्लासिकल टच बहुत ज़्यादा नज़र आता है। फ्रेंड्स, क्लासिकल से मुराद ये है ऐसा वर्क जिसको जो ग्रीक को फॉलो करता हो, ग्रीक से मुराद फ्रेंड्स वो लोग जो यूनान में रहते हैं, यानी कि जो एरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेटिस, इसको हम अरस्तु, सक्रात, अफलातून के नाम से याद करते हैं, और जो ग्रीक्स का वर्क होता है उसको हम क्लासिकल वर्क भी बोलते हैं, यानी कि इस दौर के जो वर्क था इसके अंदर थोड़ी सी क्लासिकल टच भी थी। फ्रेंड, उसके बाद बात आती है नेचुरलिज्म की, यानी कि ये लोग भी ऐसा लिटरेचर लिखते थे जो कि हकीकत के ऊपर मूव नहीं करता हो। फ्रेंड, उसके बाद एल्डम जो पोइट्री लिखा करता था उसमें ज़्यादातर जो पोइम्स थी वो हज़रत मरियम अलैहि सलाम की तारीफ़ के ऊपर हुआ करती थी, और इसका तल्लक़ कैथोलिज्म के साथ था, ये उस दौर का मजहब था। और फाइनली उस दौर में रीडर्स बहुत ज़्यादा फेमस थी। फ्रेंड्स, रीडर्स को हम उर्दू में बोलते हैं पहेलियाँ, उस दौर में रीडर्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड था। फ्रेंड्स, अगर आपने ईडिपस रेक्स नाम का एक प्ले पढ़ा हो तो इसके अंदर भी रीडल का बहुत अहम रोल है। और उसके बाद हमारे आते हैं बीड, जो कि 674 to 735 AD तक रहे, और ये भी एक क्रिश्चियन प्रीस्ट थे, पोएट, उसके साथ एक प्रोज राइटर थे, और इनको मैन ऑफ नॉलेज के नाम से याद किया जाता है, यानी इनको नॉलेज के साथ बहुत ज़्यादा लगाव था। उसके साथ ये क्रिटिक भी थे, यानी कि तनकीदगार थे, और उसके बाद इनके अंदर बहुत ज़्यादा विट थी, विट बोलते हैं अकलमंदी, हाजर जवाबी, और उसके बाद ये एक हिस्टोरियन भी थे, यानी कि ये तारीख के ऊपर बहुत से इंसिडेंट्स लिखा करते थे, और बाकी पोइट्स की तरह ये भी नेचुरलिस्ट थे। नेचुरलिस्ट से मुराद यानी कि ये हकीकत के ऊपर लिखा करते थे, ये परियों, इस तरह की या कहानियों को नहीं लिखते थे। उसके बाद इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ पोइट्री दिए, यानी कि जो पोइट्री के कायदे कवानीन थे उनके बारे में बताया, और फाइनली जो इनका सबसे फेमस वर्क है उसको हम बोलते हैं एक्लिस्टिकल हिस्ट्री, इनके जो अक्सर एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि एक्लिस्टिकल हिस्ट्री किसने लिखी, तो वो बीड ने लिखी है। फ्रेंड्स, के बाद हमारे लास्ट ऑथर आते हैं, उसमें आते हैं एल्केविन, जो कि 730 to 802 AD तक रहे। ये भी क्रिश्चियन प्रीस्ट थे, एक बहुत बड़े स्कॉलर थे लैटिन लैंग्वेज के, उसके बाद इनको भी नॉलेज से बहुत ही ज़्यादा लगाव था। दूसरे पोएट्स की तरह ये भी नेचुरलिस्ट थे, और ये भी प्रोज वर्क के ऊपर काम करते थे, और इनको पॉपुलैरिटी ज़्यादा इनके प्रोज वर्क की वजह से मिली। फ्रेंड्स, उसके बाद बात आती है एंग्लो सैक्सन राइटिंग की। ये तो थी एंग्लो सैक्सन के ऑथर्स। अब हम अगर राइटिंग की बात की जाए तो फ्रेंड्स, उस दौर में जो ज़्यादा जो काम था वो हैंड रिटन था, यानी कि हाथ से लिखा जाने वाला काम बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उस दौर में जो प्रेस है,
या इस तरह की जो चीज़ें हैं प्रिंटिंग है वो बिल्कुल नहीं थी। तो जो ऑथर्स थे वो अपना काम खुद ही लिखते या आगे से कुछ लोग हायर कर लेते जो कि उनका काम लिखते और उनको बाद में फिर पे किया जाता। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए कि हमारे तक ये नॉलेज पहुंचा कैसे जब ये लोग ज़्यादा लिखते नहीं थे, तो इसका जवाब ये है कि क्रिश्चियन प्रीस्ट के थ्रू, क्योंकि ये लोग ज़्यादा अपने लिटरेचर को लिखते नहीं थे बल्कि ओरल बोलते थे। फ्रेंड्स, अगर आपने नोहा या कुआली वगैरह सुनी हो तो उसके अंदर क्या होता है, एक किसी हीरो या किसी पर्सन की हिस्ट्री के बारे में मुकम्मल तौर पर बताया जाता है एक शेर व शायरी के अंदाज के अंदर। तो इसी तरह ये लोग अपने जो हीरोज़ की कहानियाँ उनको बोला करते थे और सुनते सुनाते ये इसको ज़ुबानी याद करते थे। लेकिन जब बाद में किंग अल्फ्रेड द ग्रेट आया तो उसको जो कि लिटरेचर के साथ बहुत ही लगाव था और वो खुद भी एक प्रोज राइटर था, तो उसने आके फिर ये राइटिंग का काम शुरू करवाया और बहुत सारा जो डाटा था उसको सेव करवाया। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए उस दौर के ड्रॉबैक की, तो उस दौर के अंदर कुछ काम बीच में से माइनस या डिलीट भी कर दिया जाता था। उसकी रीज़न ये कि वो काम जो क्रिश्चियनिटी के या जो थोड़ा सा पैगनिज्म के ऊपर बेस करता था तो उसको ये प्रीस्ट लोग अंदर से डिलीट कर देते, निकाल देते, और प्योरली जो रिलीजियस जो रिलीजन के ऊपर बेस करता लिटरेचर सिर्फ उसी को ही आगे लेके आते। प्रीस्ट हैव अ थॉट ऑफ रिलीजन, यानी कि ये जो प्रीस्ट लोग थे ये बिल्कुल एक मजहबी सोच रखते थे, इनके अंदर ये नेचर या इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं थी। उसकी रीज़न ये थी कि इनका ये मानना था कि नेचर इंसान को रियलिटी से थोड़ा दूर करती है। उस पर आते फ्रेंड्स, प्रीस्ट आर गिवन द कलर ऑफ वॉरियर्स, इनके जो प्रीस्ट थे उनको इस तरह पेश किया जाता था जैसे आज की पोइट्री के अंदर अपने जो हीरोज़ हैं, जो वॉरियर्स हैं, जंगजू लोग हैं, हीरोज़ हैं, उनको पेश किया जाता है जो कि आते और आके दुश्मनों के साथ लड़ते, हमें बुराइयों से, लोगों से बचा देते। फ्रेंड्स, उस दौर में जो ज़्यादा राइटिंग लिखी जाती थी वो बाइबल और तौरात से, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर, जिनके इंग्लिश में हम मोसेस भी बोलते हैं, उनके ऊपर जो नाज़िल हुई बुक, ज़्यादातर लिटरेचर इन दो बुक से लिखा जाता। और ये लोग बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे सुपरस्टिशन के, सुपरस्टिशन से मुराद होता है अभाम प्रस्ती, जिनके अपने से मनगढ़ंत कोई ना कोई बातें, फजूल बातें बना लेना, उसको हम क्या बोलते हैं, सुपरस्टिशन। फ्रेंड, उसके बाद नेचर तो बिल्कुल इग्नोर किया गया था क्रिश्चियन पोइट्री के अंदर, जिसकी मैं रीज़न बता चुका हूँ, क्योंकि उनका यह मानना था कि नेचर इंसान को रियलिटी से दूर लेके जाती है। और उसके बाद अगर हम फेमस एंग्लो सैक्सन राइटिंग की बात कीजिए तो वो हमारे 3 वर्क्स हैं, ब्यूवुल्फ, कैडमन और साइनवुल्फ। और इन तीनों में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हर जगह पढ़ा जाता है, पूछा जाता है, वो है आपका ब्यूवुल्फ। फ्रेंड्स, इन तीनों के राइटर्स के बारे में किसी का भी नहीं पता, क्योंकि इतना पुराना वर्क है कि इनके राइटर्स का नाम भी नहीं मालूम। और फ्रेंड्स, अगर ब्यूवुल्फ की बात की जाए तो ये एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है जो कि 3142 एलिटरेटिव लाइंस के ऊपर बेस करती है। बहुत से लोगों का ये मानना है कि जो ब्यूवुल्फ पोएम है ये एंग्लो सैक्सन्स ने लिखी है, जबकि ये पोएम स्कैंडिनेवियन ट्रेडिशन के ऊपर बेस करती है। एंग्लो सैक्सन्स तो बस इसको अपने साथ लेके आए थे, वो भी ओरल ट्रेडिशन के तौर पे। तो ये स्टोरी बेस करती है एक हिस्ट्री ऑफ अ किंग के ऊपर, कि एक उस गांव का बादशाह था जिसने क्या किया, लोगों को गैरेंडल नाम के एक ड्रैगन से बचाया जो कि उस गांव में आ गई और लोगों को आकर उसने मारना शुरू कर दिया। तो लोग अपने उस दौर के बादशाह ब्यूवुल्फ के पास गए, जिसने फिर गैरेंडल को मारा और फिर उनकी जान छुड़ गई इस बला से। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए उस दौर की कैरेक्टरिस्टिक्स की पोइट्री की, कि पोइट्री की क्या खासियत है, तो उसके अंदर सबसे पहले आती है, तो एंग्लो सैक्सन के दौर के अंदर जो वर्क लिखा जाता था वो हैरोइक पोइट्री के ऊपर बेस करता था। हैरोइक पोइट्री से ये मुराद यानी स्टोरी एक ऐसे पर्सन के ऊपर होगी जो कि हैरोइक फिगर रखता होगा, जैसे हम इसमें देख सकते हैं ब्यूवुल्फ। तो ब्यूवुल्फ एक आम पर्सन नहीं था, इनके ऑर्डिनरी पर्सन नहीं था बल्कि एक स्पेशल था, तो ये इसको बोलते हैं हैरोइक पोइट्री। फ्रेंड, उसके बाद बात की जाती है जो एंग्लो सैक्सन के दौर के अंदर रीडर्स का बहुत ज़्यादा कंसेप्ट था, और बहुत सी रीडर्स आपकी एक बुक थी एक्स्ट्रा बुक, इसमें से ली जाती थी। फ्रेंड्स, ये बुक दोनों किस्म का मटेरियल रखती थी, सेकुलर भी और रिलीजियस पॉइंट भी। और इसके अलावा इसके अंदर 94 रीडर्स थी जो कि बहुत ही उस दौर में फेमस थी। उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स बिब्लिकल पैराफ्रेज, यानी कि उस दौर में बाइबल से लेकर बहुत ज़्यादा काम किया जाता था, जिसमें जो फेमस बुक है वो है नॉवल कोडेक्स, जो कि ब्यूवुल्फ के बाद जिसको अहमियत हासिल है। फ्रेंड, उसके बाद हमारी आती है क्रिश्चियन प्रोज के, जैसे जिसमें सबसे फेमस है हमारे अल्फ्रेड द ग्रेट, जो कि उस दौर के बादशाह भी थे और उसके साथ साथ ये एक प्रोज राइटर भी थे, और उन्होंने बहुत से जो लैटिन का जो वर्क था उसको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करवाया। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि एंग्लो सैक्सन जब आए थे तो उससे पहले रोम यहाँ पर हुकूमत करके जा चुके थे और लैटिन लैंग्वेज यहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती थी। तो जो एंग्लो सैक्सन ने काम शुरू किया वो लैटिन लैंग्वेज में ही किया था, लेकिन जब किंग अल्फ्रेड द ग्रेट आए तो उन्होंने आके जो लैटिन वर्क था उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाना शुरू कर दिया। तो इस तरह इंग्लिश का एक रिकॉर्ड भी बनने लग गया और इंग्लिश लैंग्वेज को फ्रॉग भी मिला। और उसके बाद आते हैं एलिजिक पोएट्री। एलिजिक बोलते हैं मर्सिया या ऐसी पोएम जिसके अंदर थोड़ा दुख या गम का जिक्र हो, और ये भी उस दौर की जो बुक है एक्स्ट्रा बुक वहाँ से ली जाती थी, और जिसको हम एलिजिस भी बोलते हैं और विजडम पोएट्री के नाम से भी याद किया जाता है। और फ्रेंड्स, लास्ट में अगर आप एलिजिस की या जिसको हम विजडम वर्क बोलते हैं इनकी एग्जाम्पल्स लेनी है, तो इनकी बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं द वैंडरर एंड द सी फेरर, जो कि उस दौर के एलिजिक पोइट्री की बेस्ट एग्जाम्पल्स है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा एंग्लो सैक्सन का जो लेक्चर है वो अपने कंप्लीट होता है।
मोस्टली टीचर्स एंग्लो सैक्सन के टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करते। उसकी रीज़न ये है कि उनका ये मानना कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता, लेकिन इंटरव्यूज के अंदर या क्वेश्चन पेपर के अंदर आपसे कुछ भी कहीं से पूछा जा सकता है, लिहाजा आपका मुकम्मल तौर पर रेडी रहना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने इस वीडियो को डिफरेंट स्कॉलर्स या बुक्स से इकट्ठा करके रीअरेंज किया और फिर इसको आपके सामने पेश किया ताकि आपको इसको ईजी से याद हो सके। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारी आज के लेक्चर अपने अहतमाम को पहुँचते हैं। खुश रहें, खुश रखें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक करें इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी, कमेंट्स करें अपने कीमती आइडियाज़, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मैं जैसे कि नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।